आध्यात्मिक ऊर्जा आपको शांत चित्त और मन को एकाग्र करना सिखाती है, जिसका उपयोग कर आप अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं और अपने परिवार में खुशियों की वजह बन सकते हैं। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जहाँ आज बात विषय पर जाने से पहले हमारे तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं माँ दुर्गा का ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा को साथ लाए। तो चलिए अब जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है नवरात्रि, शक्ति, श्रद्धा और संस्कार। जैसा हम सभी को पता है दर्शकों कि शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। मां के 9 दिन लगातार पूजा अर्चना और आराधना होने वाली है और इन 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में जहां मां के अलग अलग रूपों की पूजा करने के साथ ही तमाम तरह के पंडाल सजाए जाते हैं, मां की झांकियां निकाली जाती हैं, मां का श्रृंगार किया जाता है और हर दिन का एक नया श्रृंगार होता है। शारदीय नवरात्रि विशेषकर कहते हैं कि जो है अन्याय पर न्याय की जीत की तरह मनाया जाता है, शक्ति की आराधना की जाती है, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए भी कहीं ना कहीं ये परिचायक माना जाता है। और जब अलग अलग दिनों की बात की जाए तो आज माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का ये स्वरूप क्यों खास है, क्या कुछ विशेषता होती है माँ के माँ कुष्मांडा रूप की और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसके साथ ही माँ के वो तमाम 9 रूपों की क्या कुछ विशेषता होती है, शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या होता है और कौन से वो सरल से छोटे छोटे से उपाय हैं जो इस नवरात्रि आप करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, आज इसी विषय पर आधारित है हमारा ये अंक। जहाँ ये सारी जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय सीताराम। भक्ति और भजन का आपस में अटूट संबंध होता है, इसीलिए जब माता को प्रसन्न करने की बात आती है तो भजनों से बेहतर साधन हो ही नहीं सकता। इस मौके पर आज हमारे साथ फेमस लोकगीत गायिका माया यादव जी भी मौजूद हैं। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो शारदीय नवरात्रि को लेकर क्या कुछ खास है, इस पर आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं और हम चर्चा को आरंभ करते हैं। गुरुजी सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्रि इसका क्या कुछ खास महत्व होता है और इस बार के संयोग की बात की जाए तो वो क्यों खास है। देखिए, शारदीय नवरात्र के विषय में 2 मान्यताएं हैं। हमारी पृथ्वी पर जब संकट आता है तो देवी देवता उन संकट को काटने के लिए विभिन्न स्वरूपों में आते हैं। तो एक ऐसा संकट आया था, एक ऐसे राक्षस के रूप में जिसका नाम महिषासुर था, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति को एक साथ करके एक शक्ति पुंज का निर्माण किया, जिससे माँ नव दुर्गा की शक्ति जन्म ली और इसी शक्ति को जन्म लेने के बाद महिषासुर से माता दुर्गा ने युद्ध किया और उसका संहार किया। तो उस संहार की गाथा और माता के स्वरूप जो अलग अलग उन्होंने 9 दिन लिए और उनसे युद्ध किया, उस कारण इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। एक और पौराणिक कथा है जिसके में ये बताया गया है कि जब रावण अकेला बचा था और रावण से युद्ध की बात हो रही थी तो प्रभु श्री राम ने माता की आराधना की थी और वो 9 दिन की आराधना में माता से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था और फिर रावण से युद्ध किया था और रावण का संहार हुआ था। तभी कहते हैं कि 9 दिन की आराधना के बाद जब प्रभु श्री राम का रावण से युद्ध हुआ तो उसी दिन रावण की मृत्यु हुई, रावण का वध हुआ, तभी दशहरा भी दशमी के दिन मनाया जाता है। और इस बार की नवरात्रि की बात जैसे आपने कही तो इस बार वैसे तो प्रत्येक नवरात्रि अपने आप में खास होती है और शक्ति की उपासना का पर्व है ये। इस बार की नवरात्रि में विशेष ये है कि इस बार कई योग लग रहे हैं, जैसे ऐन्द्रिय योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस प्रकार से कई ऐसे योग हैं, प्रीति योग है जो इस नवरात्रि के 9 दिनों में लग रहे हैं और उन योगों और उन योगों के समय पे पूजन का विशेष महत्व आ जाता है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूजन करने से जो भी कामना व्यक्ति लेके माता की आराधना करता है उस कामना
को माता रानी आशीर्वाद के माध्यम से पूर्ण करती हैं। तो इसलिए इस बार का नवरात्र में इतने योग हैं, तो इस बार के नवरात्र को विशेष माना जा रहा है। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि नवरात्र में इस तरीके के योग पड़ते हैं, क्योंकि योग नक्षत्रों के अनुसार होते हैं और इन 9 दिनों में इस बार उन नक्षत्रों का प्रवेश है, इस कारण उस योग से नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जा रहा है। वैसे ईश्वर आराधना के लिए हर पल खास होता है, बस शर्त ये होती है कि आपकी भक्ति और आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए, तो ईश्वर आपके हर पल में प्रार्थना सुन ही लेते हैं। माया जी, हम आप तक आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम पारंपरिक उत्सवों की बात करते हैं, धार्मिक पूजा की बात करते हैं, तो इनका हमारे जीवन में क्या कुछ खास महत्व होता है? देखिए, धर्म तो, धर्म का अर्थ है, अभी तो पंडित जी इतना अच्छा बता रहे हैं, धर्म का अर्थ ये धारण करना जी। तो आप केवल धर्म सुन के चले आए, बाहर कहीं सत्संग सुन के चले आए, धारण नहीं किया तो धर्म पूरा नहीं हुआ। तो धर्म का अर्थ ही है धारण, और भक्ति, और जैसा कि आपने पूछा ना संगीत, ये किस ईश्वर को प्रसन्न करने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी संगीत आप देखें, सूफी संगीत है, कीर्तन है, भजन है, तमाम तरीके के, ये हम ईश्वर को प्रसन्न करने का बहुत ही सुंदर साधन मानते हैं संगीत को, भक्ति को, और भक्ति के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से। और यही मैं आगे समाज में भी, हम अपनी पीढ़ी को भी बताते हैं कि आज सुबह उठ के पूजा करनी है। एक्चुअली इसका मतलब यही होता है कि आप सात्विक भाव से कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो माया जी, आपने इतनी सारी बात भक्ति और संगीत की और लगातार हम बात भी करते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सबसे बेहतर माध्यम है, तो एक कोई भजन इस वक्त जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें। जी, तो नवरात्र चल रहे हैं और माता के भजन हर घर में हो रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है, और जैसा कि भजन किया ही है उन्होंने, दानों का अंत किया है, तो भजन भी उस पर ही बेस्ड है। जय अम्बे जगदम्बे भवानी, जय अम्बे जगदम्बे भवानी, सकल अमंगल हरणी दयानी, सकल अमंगल हरणी दयानी, जय अम्बे जगदम्बे भवानी, शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, देहु अमर पद मा कल्याणी, जय अम्बे जगदम्बे भवानी, जय अम्बे जगदम्बे भवानी। बहुत ही खूबसूरत बात और खूबसूरत भजन भी है, और भजन की एक खासियत होती है कि आप जो कथा शब्दों में सुनाना चाहते हैं उन्हें अगर आप संगीत में पिरो देते हैं तो वो और सुरमई बन जाती है, समझ में आती है जी, भावपूर्ण। तो लगातार हम शारदीय नवरात्रि पे बात कर रहे हैं, आज घर परिवार में हमारा विषय ही है माँ की आराधना यानी नवरात्रि, भक्ति, श्रद्धा और संस्कार। हमारे साथ लेटे हुए हनुमान जी, प्राचीन लखनऊ में जो मंदिर स्थापित है उसके मुख्य सेवादार गुरु जी डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी मौजूद हैं। और गुरु जी, अगर हम बात करें माँ के वाहन की, क्यों ऐसी धार्मिक मान्यता होती है कि माँ इन 9 दिनों पर धरती में आती हैं, और जब धरती पर आती हैं तो वो किसी ना किसी वाहन का साथ लेकर आती हैं, इस बार पालकी वाहन है। अब बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही हैं वो ऐसा कहा जा रहा है कि पालकी वाहन होना ये परिस्थिति या स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, आपके अनुसार ये स्थिति कैसी है, ये वाहन का क्या कुछ विशेषता और अर्थ होगा, और हमारे लिए ये नवरात्रि कैसी रहने वाली है? देवी भागवत पुराण में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है कि जब माता रानी पालकी से आती हैं तो राज्य में संकट, रोग और युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। तो यदि राज्य को हम संपूर्ण विश्व मान लें तो इस नवरात्रि में माता रानी पालकी पे आ रही हैं, तो आप देख भी रहे हैं कि इधर कुछ रोग का प्रकोप भी विगत 15 दिनों से धीरे धीरे बढ़ रहा है कई संदर्भ में। तो चूंकि पालकी में माता रानी जब आती हैं तो उस राज्य में इस प्रकार के संयोग बनते हैं, तो इसलिए पालकी को शुभ नहीं माना गया है। और कई जगह इस चीज़ का वर्णन पाया गया कि जब माता रानी की सवारी पालकी हो तो ऐसे समय में विशेष पूजन और अर्चन माता रानी का व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में और उसके ऊपर आने वाली संकट और कष्ट और बाधाओं को
दूर करता है। विशेष पूजन की बात कर रहे हैं गुरुजी, तो अब क्योंकि आपने ही बताया कि ये इस बार बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला, तो क्या कुछ विशेष पूजा में होना चाहिए? देखिए, अनुकूलता की बात करिए तो जब जैसे अभी बहन जी ने बताया कि धर्म धारण करने की वस्तु है, निश्चित ही धर्म धारण करने की वस्तु है, और जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता तो ये तो संग साथ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ना आती हों। ईश्वर का संग, धर्म का साथ प्रतिकूलताओं को झेलने की क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए धर्म के साथ रहने का विधान है। माता रानी की आराधना इस समय में करने से विशेष रूप से, अब आराधना का विशेष स्वरूप कोई नहीं हो सकता, आप यदि सोचे कि कोई तंत्रात्मक क्रिया किया जाए तो तंत्र ये सब गृहस्थ के लिए नहीं है, ये विशेष जो पूजन और तंत्र की पूजन होती है ये इसके लिए विशेष, जैसे कहा गया कि जैसे अब आपने सोचिए कि आप मेरे गले में खराश है तो मैं थ्रोट के डॉक्टर पास जाऊंगा, मेरे पेट में गड़बड़ी है तो मैं गैस्ट्रो के पास जाऊंगा, तो उसी प्रकार से उस विधा को, समस्या वैसा उस विधा को जो पारंपरिक रूप से जिन्होंने उसका अध्ययन किया है वही वो कर सकते हैं। तो तंत्र का विधान गृहस्थ को पहली बात तो कतई नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी भी रूप में कहे, तंत्र साधना हमारे धर्म में एक तरीके से वर्जित है गृहस्थ के लिए, क्योंकि इसके प्रतिकूल अनुकूल से अधिक प्रतिकूल प्रभाव है, क्योंकि त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आप कोई मिसाइल दाग रही हैं और उसमें अगर अक्षांश और रेखांश में एक का भी फर्क हो जाए तो वो जहाँ टारगेट पे जानी है उसकी जगह दूसरी जगह चुक जाएगी। हाँ। चुक जाएगी। इसी तरीके से तंत्र साधना होती है, तंत्र में मंत्र और संकल्प इन दोनों की युति होती है, तो जहाँ पर संकल्प होता है उसके साथ साथ संकल्प को पूर्ण करने के लिए उसके तंत्रात्मक मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों को पूर्ण करना आवश्यक होता है, उसमें कोई ढील नहीं चलती। और वैसे साधारण धर्म का स्वरूप और पूजन का स्वरूप है, जैसे कीर्तन की बात हुई तो ये तो कीर्तन तो हमारी नवदा भक्ति में आता है, तो कीर्तन के माध्यम से माता को प्रसन्न करें, जरूरी थोड़ी ना है कि तंत्रात्मक विधि से। तो विशेष पूजन केवल इतना कि माता रानी की शुचिता के साथ आराधना 9 दिन हो, घर में माता रानी का अखंड दीप जले, माता रानी का कलश घट स्थापन जिनके घरों में होता है वो, विशेष कोई भी नई स्थिति ना उत्पन्न करें कि जिनके यहाँ घट स्थापन नहीं होता है उनको ये लगे कि इस बार माता रानी पालकी में आई हैं तो इस बार हम भी घट स्थापना करा लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल जो हमारे यहाँ विधान हमारे कुल परंपराओं में है उन्हीं का अनुसरण करते हुए बस शुचिता के साथ भक्ति और माता की आराधना हमको करनी है। शुद्धता और सच्ची भक्ति, सच्चा भाव, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा गुरुजी ने आपको बार बार कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सुन लिया कि ये मुश्किल होने वाली है तो आपने किसी का भी कोई भी बताया उपाय कर लिया, अगर आप उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते, उस विद्या के बारे में सही से नहीं जानते तो कृपया उसे करने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना बैठे और कुछ नुकसान कर जाए। तो बेहतर है, वो कहते भी हैं कि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है सभी मामलों में, पूजा हो चाहे सेहत हो, ये सभी मामलों में घातक होता है। माया जी, हम आप तक आना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम संगीत, भक्ति, ईश्वर आराधना की बात कर रहे हैं, ऐसे में जब बच्चों को जोड़ने की बात आती है तो उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, उनमें संस्कारों को कैसे पिरोया जा सकता है? बच्चों को आप एकदम से नहीं कह सकते कि पूजा करो जी, सबसे अच्छा है कि उनको बचपन से ही उस कार्य में लगाइए, बेटा ये मंदिर के बर्तन धो लाओ, बेटा ये बत्ती बनाओ, बेटा ये आरती करो, बेटा ये भगवान जी के कपड़े पहनाओ, और वो जो एक बाल्यकाल की जो अवस्था होती है उसमें इतना अच्छा लगता है भगवान को की सेवा करना कि वो स्वतः जुड़ते जाते हैं, ये नींव पड़ती जाती है, ये ऐसा ही नींव हम लोगों में पड़ा। तो एक बहुत छोटी सी मैं बात बताऊं कि मेरा बेटा बाहर रहता है, मैंने उसको कहा तुलसा पौधा अपने घर में रखना, मैं लगा आती थी और मैं जब 15 दिन बाद जाती थी वो सूख जाती थी, फिर दूसरी बार लगाया फिर सूख गई, तीसरी बार मैंने कहा कि आप एक पौधा नहीं संभाल सकते हैं, आप इसको पौधा समझ रहे हैं, आप जीवन में और समस्याओं को कैसे संभालेंगे? बहुत सुंदर। तो आप जोड़िए इसको अपने जीवन से, यही बच्चों के लिए, हम जो नौकर रख लिए नौकर मंदिर साफ कर देगा, बच्चों से कराइए, ये बहुत आसान तरीका है हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को बच्चों के अंदर डालने का।
जो मेरा मानना है। जो छोटी छोटी तैयारियां होती हैं किसी भी उत्सव को लेकर, वो अगर आप बच्चों से कराते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार खुद ब खुद आने लगते हैं। आपको कोई स्पेशल कोशिश नहीं करनी पड़ती है। आज हम लगातार शारदीय नवरात्रि पे बात कर रहे हैं, माँ शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे की आराधना के क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, इस नवरात्रि आप माँ को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, इस पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। माया जी, कोई एक भजन आप जो इस दौरान हमें सुनाना चाहें। पंडित जी ने कहा शारदीय नवरात्र में जब महिषासुर को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मार पाए, तो माँ पार्वती से आह्वान किया उन्होंने और उन्होंने नौ अंशों को, तो और ये बिल्कुल सही। और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, भक्ति हो या कुछ, वो मुश्किल होती हैं थोड़ी, तो गाने का भाव भी वही है। मैया मोसे चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा, मैया मोसे चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा, मैया कैसे मैं दर्शन पाऊँ दूर तेरो मंदिरवा। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्याव शेष शारदा भी गुण गाव, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्याव शेष शारदा भी गुण गावे, तेरी महिमा है अपरंपार दूर तेरो मंदिरवा, मैया मोसे चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और आपका आवाज़ भी बहुत सुंदर है। माँ को प्रसन्न करने का सबसे सीधा और सरल उपाय होता है कि आप भजनों के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। लगातार हम शारदीय नवरात्रि पर बात कर रहे हैं और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे उस सेगमेंट का, खास सेगमेंट का, जहां हमारी कोशिश होती है वो तमाम योजनाएं आप तक पहुँचाने की जिनका लाभ लेकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। हमारे सेगमेंट संगठन में शक्ति का, जहां लगातार आज हम बात ईश्वर आराधना की कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो योजना है ये भी किसी तरह वरदान की तरह साबित हो रही है तमाम महिलाओं के लिए, क्योंकि इस योजना का लाभ लेके बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं को आत्मनिर्भर कर पा रही हैं। आज की जो कहानी हम आपसे साझा कर रहे हैं वो ऐसी ही महिलाओं की कहानी है जिन्होंने इस योजना से लाभ उठा के मंदिरों में जो तमाम फूल मालाएं चढ़ती हैं उसके बाद उसका क्या कुछ उपयोग हो सकता है, या यूं कहें कि सदुपयोग हो सकता है, वो ये काम करती हैं। जी हाँ, उन फूलों को इकट्ठा करके उनसे खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाती हैं, गुलाल बनाती हैं और खुद के लिए एक रोज़गार भी बना रही हैं। तो क्या कुछ कहानी है, कैसे वो इस काम को करती हैं, आइए और करीब से जानते हैं हमारे सेगमेंट संगठन में शक्ति। हमारा प्रशासन देश की महिलाओं की प्रगति और विकास के लिए हर क्षण प्रयासरत रहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन भी किया जाता रहा है। इन्हीं में से एक अहम योजना है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, जो गरीब ग्रामीण महिलाओं के जीवन के लिए लगातार वरदान साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत आजीविका के नए स्रोतों और साधन को प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न गांवों में तमाम स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है, जिनसे जुड़कर इच्छुक महिलाएं अलग अलग कला और कार्यों में निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं की आय के उत्तम साधन खोज पाने में सक्षम हो पा रही हैं। हम लोग जो है मंदिरों से फूल उठाने का काम करते हैं, आसपास के सारे मंदिरों से फूल उठाते हैं, तो वहाँ से ला करके ये बाकी दीदियाँ हमारी जो है सुखाने का, छानने भी नहीं करती, लेकिन इसकी वजह से हम महिलाओं को रोजगार अच्छा मिला है कि हमें कहीं अलग भटकना नहीं है। और हम लोग पूरी मेहनत से ये करते हैं और घर में भी जो लोग पहले कहते थे खाती हो और सोते रहते हो कोई काम नहीं, तो उनमें एक अपनी भी एक आत्मसम्मान बना हम लोगों का, क्योंकि वैसे भी महिलाओं को कौन कहते क्या कर सकती हो, लेकिन हम लोग ये अपने हाथ से बनाते हैं और हम लोग का आत्मसम्मान भी है और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग काम के लिए निकले हैं तो थोड़ा सा एक अपने में वो होता ना कि हम काम कर रहे हैं, हम दो पैसे कमा रहे हैं,
तो ये भी एक हमारे बच्चों पे भी फर्क पड़ रहा है कि हाँ, और अपने बच्चों को अच्छे से भी घर में भी पूरा सपोर्ट करते हैं जितना हो सकता है, और मिलके अगर एसटी चलाते हैं तो अच्छा होता है। और आज के ज़माने में जहाँ हम लोग महिलाएं निकलने से डरती हैं, वहाँ पर ये जगह सुरक्षित है। अगर ऑर्डर आ जाता तो हम लोग रात में भी यहाँ ओवर टाइम भी काम करते हैं, और जिसमें हमें पूरी तरह से अपने आप को ये होता है कि हम एकदम बिल्कुल निर्भर, हमें कोई डर नहीं है और पूरी सुरक्षित जगह पर रहते हैं। हमारी दीदी ने देखा हमारी गरीबी को, तो हमें इसे यहाँ पर काम करने के लिए रखा। जी, इससे पहले कोई काम किया है आपने ऐसा? हम ऐसा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ घर में खाना बनाने का काम किया है, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, बस यही करते हैं। तो इस काम के लिए आपको ट्रेनिंग कहाँ से दी गई? मैम, ट्रेनिंग हमको यहीं पे मिली है आके कि ऐसा ऐसा काम करना है, इस तरीके से करना है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के ऐसे ही एक और सफल प्रयास की नई कहानी को लेकर आज हम आ पहुँचे हैं बीबीटी के निकट उत्तर धोना गांव में। राजधानी लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर धोना गांव की महिलाएं योजना और सी मैप की सहायता से स्वयं के लिए आमदनी के नए आयाम खोज पाने में सक्षम हो पा रही है। करीब 5 साल से साझी रेखा समूह से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ अगरबत्ती और धूप बत्ती हवन का जो कार्य होता है उसका पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ, जिससे कि आगे महिलाओं को रोज़गार मिल सके। हम लोग वो भी जो मशीनें इलेक्ट्रिक के द्वारा चलती है वो हम लोग मैनुअल भी बनाते हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं तक वो पहुँच सके। जैसे कि ये हवन कप वाली मशीन है, ये मैनुअल है, वैसे तो ये 50,000 की आती है, लेकिन ऐसी मशीनें हम लोग अवेलेबल कराते हैं महिलाओं को, जिससे कि महिलाएं कम पैसे में कार स्टार्ट कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। लगभग यहाँ पर हम सभी कार्यों में सहयोग करते हैं, टेक्नीशियन भी हैं और मैकेनिक भी हैं। यहाँ पर जो कमी आती है सबका सहयोग करते हैं, फूलों से लेकर के मशीन तक का काम देखते हैं। रीयूज और रीसाइकिल का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करने वाली इस महिलाएं मंदिरों के फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं। शहर के मंदिरों में रोजाना भारी मात्रा में चढ़ने वाले फूलों का पुनः उपयोग कर ये महिलाएं उनसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, जैविक खाद जैसे उत्पादों का निर्माण करती हैं। समूह के कार्य और गांव की महिलाओं की प्रगति पर बात करते हुए साझी रेखा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष वंदना सिंह जी ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले अलग अलग मंदिरों से फूलों को एकत्रित किया जाता है और फिर उनकी उपयोगिता अनुसार उनकी छटाई की जाती है, जिसके उपरांत उन्हें पाउडर रूप में परिवर्तित कर समूह की महिलाओं द्वारा उनसे धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाई जाती है। साथ ही शेष बचे फूलों के अवशेषों का पुनः उपयोग कर जैविक खाद और हर्बल गुलाल बनाने का काम किया जाता है। वर्तमान समय में उनके समूह में कुल 10 महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जो सी मैप द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर आज अच्छी आमदनी कमाने के साथ ही स्वयं की अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो रही है। महिलाओं के सशक्त होने और स्वावलंबी बनने के इस कार्य में देश के युवा भी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। आइए इन युवाओं से जानते हैं कि कैसे इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सफर में वो अपनी निस्वार्थ सेवा प्रदान कर उनका सहयोग कर पा रहे हैं। ये संस्थान औरतों को, दीदियों को रोजगार के लिए प्रेरित करती है और प्रशिक्षण प्रदान करती है, साथ में भी यहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती का कार्य हो रहा है। मैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करता हूँ, लेकिन समाज सेवा की भावना बचपन से मन में रही है, और ये काम करके अनुभव हुआ कि इस देश की महिलाएं जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अपने बच्चों का और आने वाली समाज और पीढ़ी का भी दायित्व होता है। उनको रोज़गार प्रदान करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये चीज़ का मैंने लक्ष्य अपने मन में बना के रखा था, उसी कारण मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ कोई पेड जॉब नहीं करता, लेकिन सामाजिक सेवा प्रदान करता हूँ। शाम को फूल उठाने जब कार्यालय से अपने में लौटता हूँ तो मंदिरों में फूल उठाने का कार्य करता हूँ, वहाँ से फूल उठा के लाता हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं साझी रेखा संस्थान से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और जो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, ये जो मंदिर पे फूल चढ़ाया जाता है उसको हम लोग वहाँ से ले आते हैं, इससे वहाँ पे फूल वेस्ट भी नहीं होता और जो यहाँ फूल यूज के लायक होता है उसको हम लोग सुखवा के, पिसवा के और उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो बचा हुआ रहता है उसको ऑर्गेनिक खाद में भी यूज किया जाता है, जो यहाँ पिसता नहीं उसका ऑर्गेनिक खाद यूज होता है। और हम लोग इसको जो है, मैं हूँ, दिवेश है, सब लोग मिलके जो है 1-2 घंटे निःशुल्क सेवा यहाँ पे देता हूँ। तो
उम्मीद करते हैं कि लगातार ऐसी योजनाएं आती रहेंगी और प्रशासन का ये प्रयास जो लगातार आ रहा है इसका लाभ आप उठाते रहेंगे और आप तक ये कहानियां और ये योजनाएं हम यानी DDUP पहुंचाते रहेंगे। लौट चलते हैं हमारे आज के विषय पर गुरुजी, क्योंकि माँ के अलग अलग स्वरूपों की लगातार बात होती है, तो संक्षेप में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को एक बार बता दें कि वो माँ के अलग अलग स्वरूप क्या हैं, उनकी क्या कुछ विशेषता है। देखिए, माँ के 9 स्वरूप हैं। इसमें जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री जी, जो भय का निवारण करती हैं, जो व्यक्ति भय जिसको ज़्यादा लगता है वो शैलपुत्री की पूजन से भय समाप्त होता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी है, ये हमारे मेधा को, स्मरण शक्ति को बलिष्ठ बनाती हैं। तो कहा गया है कि उन युवाओं को और छात्रों को इस स्वरूप की पूजन विशेष महत्व देती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा माता का होता है, जिसमें हम आरोग्य और संपदा माता रानी से मांगते हैं कि हमारा जीवन रोग से मुक्त हो और हम कष्ट ना पाएं और जो भी सुख समृद्धि और संपदा, संपदा का अर्थ केवल पैसा और धन नहीं है, सुख और शांति और एक संतुष्टि पूरक परिवार भी सबसे बड़ी संपदा है, तो उसके लिए भी माता रानी के स्वरूप का होता है। और ये चौथे दिन कूष्मांडा, जो आज का दिन है, आज के दिन में माँ आयु और यश और कीर्ति का वर्धन का आशीर्वाद देती हैं, यानी व्यक्ति की आयु बढ़े, उनकी यश और कीर्ति बढ़े, ऐसी आराधना कूष्मांडा माँ से करनी चाहिए। जो कलाकार हैं और या राजनीतिक क्षेत्र में हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहीं ना कहीं सूर्य का को बलिष्ठ करने की विशेष वो आवश्यकता रहती है, वो कूष्मांडा माँ के की पूजन से उनका सूर्य बलिष्ठ होता है और यश और कीर्ति प्राप्त होती है। पांचवें दिन स्कंद माता का स्वरूप होता है, जो हमारे कर्म फल को का निर्धारण करती हैं। तो उन माता का स्वरूप का पूजन करने से जो हमारे किए हुए कर्म हैं उनको सही कर्मों को सही गति मिलती है तथा जो भी भूल चूक से गलत कर्म हुए हैं उनको माता क्षमा करती हैं और उसका निवारण शीघ्र हमारे जीवन में प्रतिकूलताओं के कारण नहीं होता, प्रतिकूलताएं नहीं आती हैं, माता रानी आशीर्वाद दे देती हैं। इसी प्रकार से छठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है, ये विशेष है। कहा गया है कि कन्या पूजन, मतलब जो कन्या जिनके विवाह योग्य कन्याएं होती हैं वो कात्यायनी स्वरूप को, अगर आप माता का स्वरूप देखें कात्यायनी, तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और ये खास तौर से जो कन्याएं हैं वो विवाह के योग्य जब हो जाती हैं तो उनकी माताएं और वो कन्या वो स्वयं ऐसे स्वरूप का पूजन करती हैं ताकि उनको योग्य वर प्राप्त हो और जिसका विवाह न हो रहा उस स्वरूप की पूजन से उनको विशेष लाभ मिल सकता है। सातवें दिन कालरात्रि का स्वरूप होता है। कालरात्रि अपने आप में जैसे सुनने में आपको लग रहा है, ये सर्वबाधा प्रशमन्यम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी, सारी बाधाओं को, सारे कष्ट को, सारे ग्रह नक्षत्र की सभी प्रकार के संकटों को दूर करने का काम माँ कालरात्रि करती है। तो जिसके ऊपर ग्रहों की बाधा होती है वो कालरात्रि माँ के पूजन से, या कोई खास विशेष संकट आया हुआ हो किसी की, जैसे आज के व्यवहारिक जगत में ले लें, जॉब के ऊपर कोई संकट है या किसी गलत कारणों से कोई परेशान है, किसी ने कोई वाद विवाद में फंसा, वाद विवाद है, आरोप प्रत्यारोप हो गया हो, जहां मान या प्रतिष्ठा पे संकट दिख रहा हो, तो वहां पे माँ कालरात्रि की पूजन से इस तरीके की निगेटिविटी दूर होती है। और फिर आठवें दिन महागौरी का रूप है। महागौरी तो गौरी मैया तो सुख और शांति का स्वरूप है, तो सुख समृद्धि और शांति जीवन में लाती हैं। और जो नवा दिन है वो सिद्धिदात्री है, तो सिद्धिदात्री अपने में कि सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करना, माता के को देना, हाँ माता का ये स्वरूप सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हमारे हनुमान जी हैं जी। और उनकी मैया की आराधना के माध्यम से हनुमान जी जो सिद्धि आपको देंगे वो अक्षण रहेगी और वो कालांतर में आपके काम आएगी,
ये माता की आराधना। गुरुजी बहुत खूबसूरती से और बहुत संक्षेप में गुरुजी ने आपको माँ के अलग अलग रूपों के बारे में बताया। साथ ही एक और बोनस पॉइंट आपको मिला है कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो माँ की पूजा जरूर करिए, क्योंकि अगर माता प्रसन्न है तो हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। माया जी हम आप तक आना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि लगातार माँ की पूजा, शक्ति की पूजा, शक्ति आराधना कही जाती है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ जाता है ये। तो वर्तमान समय में महिलाओं के बदलता जो स्वरूप है, सशक्त होती महिला, आत्मनिर्भर होती महिलाएं, इस पर आपके क्या कुछ विचार है और क्या कुछ बदलाव लाने की या प्रयास करने की जरूरत है? नवरात्र केवल पूजा अनुष्ठान केवल यही नहीं है जी, ये नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। गुरु जी भी मानते होंगे, क्योंकि माँ सोचिए आप, जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए वो हमारी एक स्त्री ने किया। तो इससे हमें सीख लेना चाहिए हमारी नारियों को, और सीख ले भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज की नारी माँ दुर्गा की तरह सरल है तो माँ काली की तरह, माँ चंडी की तरह उसके अंदर जोश भी है और वो वैसा कार्य कर रही है। तो जो एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे लगता है एग्जाम्पल कि सृजन और संहार, इन दोनों का समावेश इस नवरात्रि में है, और यही हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा। हमारी महिलाओं को, नारियों को इस चीज़ को ही धारण करना चाहिए कि वो सृजन भी करती हैं, हर संहारती तो केवल नहीं करती, माँ दुर्गा सिद्धिदात्री ये सृजन करती हैं, तो उसी तरह माँ चंडी संहार करती हैं, माँ काली संहार करती हैं। तो ये जब दोनों समावेश होगा तो ही वो बहुत आगे बढ़ पाएंगी, और यही नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। नारी सशक्तिकरण की बात जो नवरात्र पे हो रही है, ये हमारे यहाँ देखिए कब से प्राचीन, ये तो नारी सशक्तिकरण शब्द अब आया है जी, आज के युग का है कि जहाँ पे लोग नारी को निर्बल समझते हैं, परंतु हमारे यहाँ जो प्रमुख देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको त्रिदेव त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है, वो भी यदि किसी की पूजा करते थे तो वो माँ की शक्ति स्वरूपा की। तो नारी सशक्तिकरण तो आज का है, परंतु नारी सशक्त थी, सशक्त है और सशक्त रहेगी, क्योंकि वो सृजनात्मक शक्ति की देवी है। पर गुरु जी कहते हैं ना, प्रमाण हर कोई मांगता है, और वर्तमान स्थिति या मनोस्थिति की बात करें तो हर चीज़ में प्रमाण की आवश्यकता दिखती है। हमारे धार्मिक और पौराणिक कथाओं में लगातार ऐसे कई प्रमाण हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अपने धार्मिक ग्रंथों और पुराणों को ज़रूर पढ़ें, आप उन्हें ज़रूर उनका ज्ञान प्राप्त करें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। माया जी आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इसी पर कोई भजन जो आप इस वक्त हमें सुनाना चाहें? जी मैं तो चूँकि परिप्रेक्ष्य यही है कि नवरात्र है तो भजन तो नवरात्र पे ही मैं गाऊंगी। जियरा देखन को ललचाए दर्शन दे दो अम्बे मैया, जियरा देखन को ललचाए, तुम इंद्राणी तुम ब्रह्माणी तुम हो काली माय, तुम इंद्राणी तुम ब्रह्माणी तुम हो काली माय, चंडी रूप धर असुर संहारो, चंडी रूप धर असुर संहारो, सुयस रहे जग छाए, जियरा देखन को ललचाए, दर्शन दे दो अम्बे मैया, दर्शन दे दो अम्बे मैया, बड़ी अबेर भई जगदम्बा दर्शन दी जो आए, बड़ी अबेर भई जगदम्बा दर्शन दी जो आए, सिंह पीठ धरि बेगी पधारो, सिंह पीठ धरि बेगी पधारो, रोम रोम भर जाए, जियरा देखन को ललचाए, दर्शन दे दो अम्बे मैया, दर्शन दे दो अम्बे मैया। बहुत ही मधुर भजन था, और खास भजन यही होते हैं कि अगर आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगे, आप खुद ब खुद झूम उठे, तो वो भजन आप तक भी पहुंच रहा है और ईश्वर तक भी पहुंच रहा है। लगातार आज हम शारदीय नवरात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहां घट स्थापना हुई होगी, कलश रखा गया होगा, इन सब पर भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जो बेहद खास होता है और जिसका इंतजार आप हमेशा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं छोटी छोटी लेकिन बेहद काम की बातें, यानी हमारे सेगमेंट टिप्स का। और आज हम बात टिप्स में करने वाले हैं, क्योंकि लगातार पूजा और आराधना की बात है, तो पूजा करते वक्त किन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब भी पूजन प्रारंभ करें और जब तक पूजन करें, संपूर्ण समर्पण भाव से करें,
उसमें किंचित मात्र भी मन में संदेह ना हो। कई बार होता है कि हम घर में जोत जलाते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, जोत बुझ जाती है तो मन में संदेह आ जाता है, माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं हो रही। धर्म में संदेह नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी टिप्स है, जितना भी करें मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचनों से शुद्ध होके और कर्मों को उसी तरफ माता या जो भी प्रभु की आराधना करें उनकी तरफ संपूर्ण समर्पण भाव से लगाकर करें, यही सबसे बड़ी टिप। और बात लगातार शारदीय नवरात्रि के कर रहे हैं तो इस बार क्योंकि हर बार एक अलग अलग संशय उत्पन्न हो जाता है, इस बार की बात की जाए तो अष्टमी नवमी और दसवीं तिथि को लेकर बहुत संशय है। इसमें अष्टमी और नवमी में तो भी लोगों में एक समझ है कि उनको कब खोलना है, लेकिन जो लोग नवमी रह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हवन और नव जो व्रत है उसको कब खोलना है कब करना है, तो ये संशय क्या है? आप अगर आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाए तो ऐसे संशय नहीं हुआ करता। हर व्यक्ति तो मोबाइल में वो देखता है कि इस समय से इस समय तक है, उसके बाद उस बात को सिद्ध करने के लिए पंडित जी से पूछता है। पंडित जी कुछ और कहते हैं तो वो अपना ज्ञान लगाता है जी। कि पंडित जी वो तो इस समय है जी। तो पंडित जी भी संशय में, आप भी संशय में, ऐसे में संशय उत्पन्न नहीं। इस बार पूरी नवरात्र है, कोई भी नवरात्र घटी नहीं है। अष्टमी के दिन अष्टमी, नवमी के दिन नवमी है, दशमी के दिन दशमी है। तो इस बार की नवरात्र की बात करें तो कोई घटी नहीं है। कभी कभार होता है कि एक ही दिन में सप्तमी और छठ पड़ती है या अष्टमी नवमी पड़ती है, तो ऐसे में कुछ लोग चूंकि पहले अष्टमी है तो अष्टमी की पूजन सुबेरे कर लेते हैं, नवमी की शाम को करते हैं। कुछ लोग पूर्ण व्रत करके नवमी, जिस दिन एक ही दिन में अष्टमी और नवमी पड़ती है तो उस दिन वो लोग दूसरे दिन व्रत खोल देते हैं। तो इस प्रकार से है, बहुत ही हम लोग क्या लिवरेज है इन सब चीज़ों की। हम लोग को बताया गया है कि धर्म को मानिए, धर्म को जानिए और धर्म में रहिए। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं ऐसी रखी गई है कि यही करेंगे तो ही ये होगा। आप लेटे लेटे भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें तो भी हनुमान जी का के आशीर्वाद का फल प्राप्त होगा। माता रानी का नाम जयकारा केवल जय माता दी का लगा लें तो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर होगा यदि मन से लगाएंगे। विजयदशमी की बात कर ली जाए तो जल्दी से, क्योंकि प्रोग्राम के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं, तो विजयदशमी का क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है और सरल सी कोई पूजा विधि जो कर सके? नहीं, विजयदशमी को जनरली अगर देखा जाए तो शस्त्र पूजन का विधान है, क्योंकि उस दिन रावण का संहार हुआ था और वैसे भी शस्त्र पूजन का विशेष महत्व तो हमारे हिंदू धर्म में है। क्योंकि यदि आप देखें तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबके एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे में शस्त्र है, जो एक बिल्कुल सटीक विश्लेषण इस बात का है कि धर्म को रक्षा करने के लिए शास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम, शास्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ इतने पुराण हैं, वेद हैं और इतने प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं। और जब उन धर्म ग्रंथों पर और धर्म पर ऐसी परिस्थितियां पड़े कि वो नाश की स्थिति पे जा रहा हूं तो शस्त्र का प्रयोग है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म हिंसा तदैव च, ये कहा गया है। तो इन्हीं शस्त्रों की पूजन हम लोग दशहरे को करते हैं। और ये तो देखिए, हम लोग की माता बहनों ने, हम लोग ने तो बचपन में देखा है कि हमारी माता जी लोग घर के चाकू भी पूजा करती थी, झाड़ू भी पूजा। तो इस तरीके की ये सब हम लोग क्या एक संस्कृति है, एक सुंदर उपवन है हमारा धर्म। और उस उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल हमारे ये त्योहार हैं और ये गुलशन इसीलिए आबाद है क्योंकि इतने त्योहारों को हम लोग पूरी शुद्धता और पूरे उमंग के साथ मनाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। गुरु जी, क्योंकि अब प्रोग्राम के वाइंड अप करने का समय हो चला है तो चलते चलते शारदीय नवरात्रि हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास संदेश जो आप संक्षेप में देना चाहें। माता रानी की पूजन से पहले घर में माँ की पूजा और घर में माँ की पूजा के बाद माता रानी की पूजा, इससे बड़ा पूजन कुछ नहीं। यदि ये दोनों पूजन हो रहे हैं तो सब सर्वदा सब सुखमय होगा और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। माता रानी और हमारे हनुमान जी महाराज आपके ऊपर सदैव कृपा रखें, आपके भंडार को भरे रखें, आप सद्गुणों में लिप्त होकर सदैव धर्म के अनुरूप आचरण करें
और स्वयं को भी प्रबुद्ध बनाए और समाज को भी समृद्ध बनाए, ऐसी मंगल कामना है। बेहद खूबसूरत संदेश दिया गुरुजी आपने। माया जी, कोई छोटा सा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? एक तो मैं बहुत अच्छा गुरुजी ने भी कहा, एक बहुत अच्छा जो धर्म हमारा है ना, ये हमारे जीवन से निरस्ता को समाप्त करता है। आप एक ही जैसा जीवन जिए आप बोर होने लगेंगे। कितना अच्छा है, आप देखिए अभी सावन आ गया, अभी तीज आ गई, अभी जन्माष्टमी, हम इसी में व्यस्त रहते हैं। ये हमारे जीवन से एक जो सबसे बहुत जरूरी है, निरस्ता खत्म करता है, डिप्रेशन खत्म करता है। हम सनातन, हमारा धर्म ऐसा है, पूरे वर्ष 36 करोड़ देवी देवता, और हम इनको बड़ी खुशी से मनाते हैं। हम कितना भी नाराज हो, आप होली देखिए कितना अच्छा त्यौहार है, दुश्मनों का अरे आज वैमनस्यता भुला दो, और रंग भी डाल रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं, और बोलते भी हैं कि बुरा न मानो होली है। तो ये धर्म हमारे हैं ही, इसीलिए सद्भावना और सदाचार को बढ़ाने के लिए ही अलग अलग त्यौहार आते हैं। आज इस अहम विषय पर आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए गुरुजी आपको बेहद धन्यवाद। साथ ही साथ इतने भक्तिपूर्ण भजनों को सुनाने के लिए माया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदीय नवरात्रि में लगातार आप माँ की पूजा करेंगे, और अगर आपने आज का एपिसोड ध्यान से सुना होगा तो बस एक ही बात बार बार गुरुजी ने आपसे कही है कि शुद्ध मन और शुद्ध आचरण के साथ अगर माँ की आराधना करेंगे, विशेष पूजा विधि कोई आप नहीं भी अपना पा रहे या नहीं आती, तो भी माँ आपसे प्रसन्न होगी। और अपनी माता के साथ साथ समाज की हर महिला का सम्मान करते रहिए, यही सच्चे अर्थों में माँ की सही आराधना होगी। ये शारदीय नवरात्रि आप सभी दर्शकों के लिए अत्यंत ही अत्यंत मंगलमय होगी, इसी कामना के साथ अब मैं निधि इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करती हूँ। एक नए अंक में पुनः कुछ नई चर्चाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।